ये समझे, इसको देखो यहाँ पे कि सॉल्व करना है, जब भी सॉल्व करना हो, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, जब सॉल्व करना हो तो इसमें जो वेरिएबल हो, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो उस एक्स की वैल्यू निकालना है, अगर वाई होता तो वाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। सॉल्व का मतलब ये होता है जो भी वेरिएबल हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो अगर हमने कहा था इक्वेशन को एक्स प्लस टू एक्स बराबर नाइन लिखा है, क्या लिखा है, एक्स प्लस टू एक्स बराबर नाइन, तो हमने बताया था ये एल एच एस होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये आर एच एस होता है सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें उसका दो गुना जोड़ा जाए नौ हो जाए, इसका मतलब ये मैथ्स की अपनी भी एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, तो इसकी भाषा पढ़ो। कौन सा ऐसा वो नंबर है जिसमें इसी नंबर का दो गुना, यानी दो गुना ऑफ एक्स करा के उसी नंबर का दो गुना उसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो नौ आ जाए। तो ऐसे देखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन उसको सॉल्व करा जाएगा कैसे। x प्लस टू एक्स का मतलब होता है ये देखो, ये 1x है और ये 2x है, 1x और 2x मिलके 3x हो गया, हो गया, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो इसलिए जुड़ जाएगा, ठीक है, बराबर y। और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी, दूसरा वेरिएबल होता है यहाँ x होता है यहाँ y होता है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए, x प्लस टू एक्स थ्री एक्स, अब x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, ये नीचे चला गया, तो 3 × 3 = 9, x की वैल्यू क्या आ गई 3। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वो 3 वो नंबर है जिसका डबल करके हम उसी में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 3 है, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे अगर 3 लिखो रफ में 3 प्लस, और यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा इन टू, फिर यहाँ पे 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, ठीक है, फिर 3 लिखा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 9 हो गया ना, तो देखो क्लियर हो गया, समझ में आई बात। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ये इक्वेशन होती है। इसी तरह अगला सवाल है, इसको खुद से करके देखना है, यहाँ पे 3x में से x चला जाएगा, ये कैसे होगा, यहाँ लिखा है 3x माइनस x बराबर 8 है ना, इसको कैसे करेंगे, 3x में से 1x चला गया, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ बचा 2x है ना बराबर 8। अब फिर हमने बताया x के साथ जो होता है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, एक्स अपॉन टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कैसे है कि जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कुछ ना हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है या डॉट होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है अगर लगाओ, तो ये टू नीचे लगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है ये अलग, एक्स प्लस 3x प्लस 6 है ना बराबर 14, ये है। अब देखिए एक्स प्लस 3x प्लस 6 बराबर 14, अब देखो कौन कौन जुड़ जाएगा, यहाँ x है यहाँ x है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ x नहीं है तो ये नहीं जुड़ सकता, ये दोनों भाई भाई हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 14, ये दोनों नहीं जुड़ सकते क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है। इस केस में क्या होता है, यहाँ प्लस लगा है, ये 6 प्लस है तो ये उधर जाएगा इक्वल टू के, प्लस या माइनस होगा तो उधर जाएगा, साइन पलट जाएगा, तो 14 लिखा था प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6 हो गया, इधर क्या बचा 4x बचा है ना। अब 14 में से 6 गया 8 बचा है ना, 4x बराबर 8 हो गया, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे चला जाता है, 8/4 है ना, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, x बराबर 2 आ गया, क्लियर हो गया बात, ये भी सम हो गया।